डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पेज नंबर 56 पे सम 17 के पार्ट्स करेंगे। डी टू एफ, फाइंड द एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इनका एलसीएम निकालना है। तो डी पार्ट स्टूडेंट्स, 255, 340 एंड 425, इनका हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी नंबर दिए गए हैं पहले इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये टू नंबर लेते हैं, 340 को 255 से डिवाइड करो, वंस पे जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, इधर कुछ नहीं बचा। अब 255 अंदर आ गया, 3 पे जाएगी अब टेबल, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 में 1 8 किया 25। तो कंप्लीट डिवाइड किसने किया, 85 ने। अब 85 के साथ ही 425 का निकाल देंगे। अब टेबल जाएगी 5 पे, 5 5 जा 25, कैरी 2 बचा और 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड किया 42। तो इसने इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो ये ही हमारा एचसीएफ हो गया। सो एचसीएफ ऑफ 255, 340 एंड 425 इक्वल टू 85। तो स्टूडेंट्स, हमारा आधा रास्ता तय हो गया, हमने इनका एचसीएफ निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ वी डिवाइड ऑल नंबर्स बाय एचसीएफ। जो भी नंबर हैं उनको सभी को हमने एचसीएफ से डिवाइड करना है। 255 को 85 से डिवाइड करो तो 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 24 में 1 8 किया 25। 340 को 85 से 6 पे जाएगा, 6 5 जा, नहीं 6 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 5 जा 20, बचेंगे 2 और 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करोगे 34 हो जाएगा। अब 425 को 85 से करेंगे तो 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे, एलसीएम निकालने के लिए ऐसे रखेंगे, 225, 340, 425 और इनको किससे डिवाइड करेंगे, जो इनका हमने एचसीएफ निकाला था। 85 से जब 255 को किया तो 3 आया, इससे किया तो 4 आया और इससे किया तो 5 आया। अब सो एलसीएम ऑफ 255, 340 एंड 425 इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। 85 को जब 3 से करोगे तो 255 आएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। अब इनकी मल्टीप्लाई ये आ गई, इसको किससे करेंगे हमें, 4 से, 4 5 जा 20, बचेंगे 2, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड किया 22, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया 10, तो 1020 आ गया इनका। अब इसको किससे करेंगे, 5 से, 500, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया इसका, 5100। तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही ई पार्ट है,
ए पार्ट है स्टूडेंट्स 150, 225, 375. फर्स्ट वी फाइंड एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर. सबसे पहले हमने इनका एच सी एफ फाइंड आउट करना है. 225 को हमें 150 से डिवाइड करेंगे, वन जा पे जाएगा, बच गया 5, 7, अब 75 बार 150 अंदर, अब ये 2 पे चली जाएगी टेबल, कंप्लीट डिवाइड करेगा. अब इन दोनों का कितना आ गया 75. अब 75 का और 375 का निकालेंगे. अब टेबल कितने पे चली जाएगी 5 पे. 5 जा 25, 57 जा 35, 35 में 2 ऐड करोगे 37, तो इसको भी कंप्लीट कर दिया. तो इनका एच सी एफ कितना हो गया 75. एच सी एफ ऑफ है 150, 225 एंड 375 इक्वल टू 75. अब अगला स्टेप क्या होगा, नाउ वी डिवाइड ऑल द नंबर्स बाई एच सी एफ. अब एच सी एफ से इन सब को हमें डिवाइड करेंगे. 150 को 75 से डिवाइड किया, 2 पे जाएगी टेबल, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. 225 को करोगे तो 3 पे जाएगी टेबल और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. जब 375 को करोगे तो 5 पे टेबल जाएगी, अभी उधर किया था तो कंप्लीट डिवाइड हो गया. ये हो गया हमारा डिवीजन. अब आगे क्या करेंगे, अब एलसीएम निकलेगा इनका. अब इनको कैसे लिखेंगे, 150, 225 एंड 375 और कितने से 75 से, यहाँ डिवाइड करके दिखा चुके हैं, ये 2 आ गया, ये 3 और ये 5. अब एलसीएम ऑफ है 150, 225 एंड 375 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 75 को जब 2 से करोगे तो क्या आएगा 150, और 150 को जब 3 से करोगे तो क्या आएगा 450, और 450 को जब 5 से करोगे तो क्या आएगा 500. 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड किया 22, 2250. स्टूडेंट्स ये अपना ई पार्ट हो गया. ऐसे ही एफ पार्ट है, सब एक जैसे हैं. प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी सम है, कोई मुश्किल नहीं है. प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल नकल उतारोगे तो फिर बहुत मुश्किल है. इसलिए ध्यान से वीडियो देख के और अपने आप करने की कोशिश करनी है बच्चों. अब हम करते हैं एफ पार्ट. 220, 376, 424. वही लाइन, फर्स्ट वे फाइंड एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर. 376 किससे डिवाइड करेंगे, 220. वन जा पे गया, बच गया 6, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 और 3 में से 2 गया 1. अब 220 अंदर आ जाएगा, फिर वन जा पे गया. अब क्या बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और इधर हो गया 11, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ कुछ नहीं बचा. अब 64 बाहर, 156 अंदर आ गया. अब 2 पे चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12. बचा कितना, 16 में से 8 गया 8 और इधर 4 में से 2 गया 2. अब 28 बाहर, 64 अंदर. अब पूजा भी जाएगा, 28 पूजा होते हैं 56. अब कितना बचा,
14 में से 6 गया 8, और इधर है यही बचेगा और कुछ नहीं बचता। अब 28 अंदर हो गया, 8 बाहर, 3 जा भी गया, बचा 8, 3 जा 24, बच गया 4। अब 4 बाहर और 8 अंदर, अब पूजा पे गया, कुछ नहीं बचा, तो इनका एलसीएम कितना आया 4। अब 4 से थर्ड नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, 4 बन जा 4, उतारा 2, नेगा चला 0, उतारा 4, 4 6 जा 24, तो इसने इसको भी कंपनी डिवाइड कर दिया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, अभी HCF of 220, 376 and 424 equal to 4, इनका HCF आया स्टूडेंट्स 4। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अब सभी नंबर को हमें HCF से डिवाइड करेंगे। Now we divide all numbers by HCF, 220 को 4 से डिवाइड करो, HCF कितना है हमारा 4, 4 5 जा 20, बचा 2, उतारे 0, 4 5 जा 20, कंप्लीट हो गया। अब 376 को 4 9 जा 36, बचा 1, उतारे 6, 4 4 जा 16, कंप्लीट हो गया। अभी 424 को 4 बन जा 4, उतारी 0, नहीं गया चला दी 0, उतारी 2 था, 4 6 जा 24। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 220, 376, 424, 4 से डिवाइड करोगे 55 आ गया, इसको किया 94 आ गया, इसको किया 106 आ गया। अब एलसीएम में 94 एंड 106 टू नंबर ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए इनको 2 से डिविजिबल करना, डिवाइड करना जरूरी है। 55 डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, बचेगा 1, उतारेंगे 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब जो ये नीचे बच गए, ये अब सभी अलग अलग नंबर पे डिविजिबल हैं, इसलिए यहाँ आके हमने एलसीएम निकालना स्टॉप करना है। अब हो गया 100 एलसीएम ऑफ ए 220, 376 एंड 424 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 53। जब तक इनमें से 2 नंबर अगर एक जैसे नंबर से डिविजिबल हो जाए, तब तक ये करते रहना जरूरी है। अब 55 47 53 ये सब अलग अलग नंबर से हैं, तो इधर वाले और ये नीचे वाले ऐसे लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 5 जा 40, 4 बचा, 8 5 जा 40, और 40 में 4 ऐड किया 44। अबे 440 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 47 से, सेवन जीरो जीरो, सेवन फोर जा 28, बचे 2, सेवन फोर जा 28 में 2 ऐड किया 30। अब 4 से 400, 4 फोर जा 16, 4 फोर जा 16, 16 में 1 ऐड किया 17, 0 8 6 0 2। अब ये आ गया 20,680। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 53 से, फिर हमारा आंसर है 300, 38 जा 24, 36 जा 18, 18 में 2 ऐड किया 20,
बचे टू, थ्री जीरो जीरो, जीरो में टू ऐड करोगे टू, थ्री टू जा सिक्स, अब फाइव से फाइव जीरो जीरो, फाइव एट जा फोर्टी, बचे फोर, फाइव सिक्स जा थर्टी, थर्टी में फोर ऐड किया थर्टी फोर, और फाइव जीरो जीरो, जीरो में थ्री ऐड किया थ्री, और फाइव टू जा टेन। अब इनको ऐड करो, जीरो फोर जीरो सिक्स नाइन जीरो वन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एलसीएम आ गया। और इसी के साथ ही एक पार्ट कंप्लीट, बाकी के पार्ट्स अगले वीडियो में करेंगे।